हेलो क्लास, टुडेज टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट और मजेदार है ना। पीएनसी कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। पीएनसी ठीक है। अगर आप कभी स्कूल में, मतलब मैं अपने बारे में बताता हूँ ठीक है। मैंने स्टार्टेड तो जब मैं 11th 12th में मुझे पीएनसी मिला, कभी मुझे कभी समझ में नहीं आया ठीक है। इतना वो, क्योंकि उसे इतना टफ बना दिया गया, इतना टफ ऐसे है नहीं वो। अगर आप इसके ऊपर यकीन माने तो, अगर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद हैं तो ये बड़े आसानी से बनता है, इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ा आता है इसको बनाने में ठीक है। तो फंडा क्या है पहले चीज़ समझिए। इसके लिए अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला कोई भी थ्योरम्स रटने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये है कि आपको मैं 4 केसेस पढ़ाऊंगा और इसके साथ में एक थोड़ा एडवांस पार्ट पढ़ा दूंगा ठीक है, दैट्स इट ना। तो इन दो टॉपिक्स के अंदर ही ये पूरा पीएनसी खत्म हो जाएगा, गारंटी। और जो कुछ भी है मेरे, आपका 4 केसेस में आपका परमुटेशन आ जाएगा, 4 केसेस में आपका परमुटेशन आने वाला, और थोड़ा सा एलिबरेटिव पार्ट में आपका कॉम्बिनेशन करा दूंगा मैं। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा थ्योरम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एंट्रेंस में कैसा भी न्यूमेरिकल आए, आप पूरा परमुटेशन उन 4 केसेस में ही फॉलो आउट होगा, ये गारंटी मिली। साथ में एक एडवांस थ्योरम भी करा दूंगा मैं आपको ठीक है, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन आप इसमें रट के कुछ भी मत जाइएगा, नुकसान है आपको ठीक है। अब पहली चीज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ ध्यान से वन बाय वन। सबसे बड़ी चीज जो मुझे स्कूल में दिक्कत आई कि पूरा साल खत्म हो गया, 12th भी खत्म होने वाली, ये क्लियर नहीं हो पाया कि कब ये परमुटेशन लगाना, कब कॉम्बिनेशन लगाना, यही सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है इसमें ना। तो रियलाइजिंग होगा कब पी लगाऊं और कब सी लगाऊं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, कॉम्पिटिशन के लिए पी, कॉम्बिनेशन के लिए सी है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन या कब लगेगा, जब जब किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट है, इफ देयर इज अ अरेंजमेंट, किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट इन्वॉल्व हो गया, आंख बंद करके किसमें आ गया मेरे पास, कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट कर सकता। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर सिलेक्शन आ गया, सिलेक्शन रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो क्वेश्चन गोज टू कॉम्बिनेशन। ये पहली चीज, अरेंजमेंट है, परमुटेशन है, सिलेक्शन मैंने आंख बंद करके कॉम्बिनेशन है, पहली चीज। दूसरा इसका फॉर्मूला, ये रिप्रेजेंट फॉर्मूला ठीक है, आप बोलते फॉर्मूला टाइप का जो भी, दैट इज NPR। NPR होता है N फैक्टोरियल कितना, N माइनस R फैक्टोरियल है ना। साथ साथ में इसके लिए NCR क्या होता है, N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ऐसा। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, इन दोनों की चीज़ देखो, फिर से बताऊँ मैं फॉर्मूले नहीं रटाऊंगा है ना, आज लास्ट में मैं फॉर्मूले नहीं रटाने वाला मैं आपको, लेकिन ऐसा लिखा जाता है ठीक है, इसलिए मुश्किल होता है हमारे लिए है ना। दो खास बातें इन दोनों के लिए है ना, फर्स्ट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन आर से बड़ा या बराबर होना चाहिए, जो एन है ना आर से इक्वल हो सकता है बराबर हो सकता है ठीक है। सेकेंड मोस्ट थिंग, एन कॉमा आर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये नॉन नेगेटिव लेकिन कैसे होना चाहिए इंटीजर, एन एन की वैल्यूज क्या हो सकती है, एन इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव नहीं हो सकते, फ्रैक्शन वगैरह नहीं हो सकते ठीक है। श्योर आगे बढ़ाते हैं अपन, ये पहली चीज। इसका दूसरा सबसे बड़ा और दमदार भी देखना, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एफपीसी बोलते हैं ना ठीक है, बस थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन खत्म होना शुरू होएंगे ना, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने थ्योरम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ देखो, अब एफपीसी दो टाइप का होता है ना, आइदर वे ऑफ एडिशन या आइदर वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों दम का होता ठीक है। शर अब कैसे करते हैं देखो, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल सेट करते हैं। मेरे पास 3 बॉक्सेस इमेजिन कर लो है ना, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3,
इसमें छह बॉल्स रखी हुई है, इसमें पांच बॉल्स रखी हुई है सेम कलर की, ठीक है, उसमें सेवन बॉल्स रखी हुई है, ठीक है, सेम कलर, सब एक जैसी है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन अगर ऐसा हो, ध्यान से, ये एडिशन के लिए है, ये सबट्रैक्शन है, क्वेश्चन ही हुआ, इन हाउ मेनी वेज वी कैन ड्रॉ वन बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर वन और वन बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर टू और वन बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर थ्री। इन्हें क्वेश्चन में मेजर साउंड आएगा और एटलीस्ट, है ना, वन ऑफ देम, ऐसा कुछ भी, इधर और भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही आया तो वहां पर क्या रूल लगेगा मेरे पास, सिंपली एडिशन, वहां साइन क्या आएगा मेरे पास, प्लस का, श्योर। तो एक बॉल या तो यहां से निकालो, एक बॉल यहां से निकालो, या फिर एक बॉल यहां से निकालो, तो आपको लोगे या तो इससे बॉल निकालो, तो बॉल कितनी है, छह, तरीके एक तो बने दोस्तों सिक्स, और इससे निकालो फाइव, और इससे बना कितना, सेवन, कितना बना, 18 बेस, है ना, क्लियर है। आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो कि दोनों बॉक्स, पहले बॉक्स और सेकंड बॉक्स की बॉल उठा के पहले में डाल दो, टोटल बॉल्स कितनी होगी, 18, 18 में से कोई एक निकालना, तरीके कितने, 18 बॉल हो गई, तरीके कितने बन गए, 18, एक ही बात है ना, डन। और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन ऐसे ही होगा, इन हाउ मेनी वेज वी कैन ड्रॉ वन बॉल, है ना, क्वेश्चन साउंड सुनो, वन बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर वन एंड वन बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर टू एंड वन बॉल फ्रॉम बॉक्स नंबर थ्री। इन इसका जो मेजर साउंड आता है वो क्या आता है, एंड, यानी आग बंद करके जहां भी एंड आ रहा है वहां पे इंटू लगा दो, दैट्स इट, बड़ा आसान है, एंड आ गया इंटू लगा दो, कुछ भी कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल अब बोलो, पहले बॉक्स में बॉल कितनी, सिक्स, तो वेस कितने बने, सिक्स एंड फाइव, क्योंकि एक यू टू ड्रॉ वन, एक बॉल यहां से निकालना है, एंड एक बॉल एंड मैंने इंटू, ठीक है, इंटू कितना मेरे पास बोलो, सेवन, 30 × 7 210 वेस, 210 तरीके होंगे, ठीक है, क्लियर है सब लोगों को। इन्हें क्वेश्चन में और आ गया तो प्लस लगाते चलो, एंड लगाए तो, और कैसे पता पड़ेगा, क्वेश्चन खुद बता देगा कि आपको और लगाना है कि एंड लगाना है, गारंटी। तो थ्योरम रटने की जरूरत ही नहीं अपने को, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, दस दस। तो पहली चीज ये, जहाँ अरेंजमेंट है तो परमोटेशन है, कॉम्बिनेशन है तो सिलेक्शन है, बस और आया तो प्लस लगाना, एंड आया तो इंटू लगाना। इसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान से। तो शुरुआत करते हैं अपन, नो इशू, कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ये बेहद आसान है और फटाफट सॉल्व हो जाएगा, मतलब इन जस्ट 10 मिनट्स, नेक्स्ट 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट हम इस पूरा टॉपिक खत्म करने वाले हैं, हो जाएगा, ठीक है। पहले सवाल समझो, कॉम्बिनेशन लगता कब है, हाँ, जब मेरे पास क्वेश्चन में सिलेक्शन इन्वॉल्व हो। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है मेरे पास, ध्यान से रखो ना, क्वेश्चन पहले छोटा सा बनाते हैं, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ फोर कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 11 एस्पिरेंट्स, या तो मुझे क्या करना है, चार लोगों को सिलेक्ट करना है, लेकिन कैंडिडेट कितने हैं या लोग उम्मीदवार कितने हैं मेरे पास, 11 लगा दो। पहली चीज जो अपने फॉर्मेट से बनी, क्या है मेरे पास बोलो, NCR, NCR क्या होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल इंटू कितना R फैक्टोरियल, है ना। चलो अब ये फैक्टोरियल खुलना शुरू होता है, इतना मेरे कितना 11C4, 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू कितना, बच्चे बोलो 4 फैक्टोरियल, है ना। चलो 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय कितना, 7 फैक्टोरियल इंटू कितना, 4 फैक्टोरियल। अब 11 को खोलेगा क्योंकि 7 तक, तो 11, 10, 9, 8, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू कितना, 4 को खोलो, 4, 3, 2, 1,
इन्हें एक एक कम करके खुलते जाओ, इससे ये फोर टू ज़ा एट, थ्री ज़ा है ना, दैट इज कितने बने बोलो, 330 ईयर्स है ना, ठीक है, फोर टू ज़ा एट, थ्री ज़ा नाइन, ठीक है, डन। अब इमेजिन करो ये रटना पड़ा है ना ये, क्योंकि ये नहीं आएगा तो ये नहीं बनेगा, है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं। सबसे याद क्या करना है, 11C4, 11 में चार सेलेक्ट करना है ना, बोलो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 11, नीचे डिनोमेटर में कितना लिखा है, 4, लिखो 11/4, ऊपर से कम नीचे से कम करते जाओ, ठीक है, तो 10 से क्या बना, 10, 3, और कम करो, 9 से कितना, 2, और काटो, 8 से लेके 1, क्योंकि अगली स्टेप आप लेके जाओगे 1 का तो कितना आएगा बच्चे, 0, तो हो ही नहीं सकता, डिविजन बाय 0 इज नॉट अलाउड, तो बस जैसे नीचे 1 आता स्टॉप, रुक जाओ, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, दैट्स इट। वेज कितने बने, 330 वेज, सेम आंसर है, लेकिन ये फर्स्ट है, याद रहेगा, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में लिख लो, एक एक कम करके मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे यहाँ स्टॉप रुक जाओ, हाँ है ना, बन रहा है पूरा क्लियर, तो ये पहला था, क्योंकि 11 में से कितने तक करना है, 4, 11C4 हो गया। एक सवाल और, कॉम्बिनेशन खत्म पूरा, ठीक है, बस का इसकी प्रॉपर्टीज है ना, सवाल ये, इसको अपडेट करेंगे, इन हाउ मेनी डेज अ टीम ऑफ फाइव कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 11 एस्पिरेंट्स, वही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा चेंज है, टीम ऑफ फाइव, इन हाउ मेनी डेज अ टीम ऑफ फाइव कैन बी सिलेक्टेड, टीम ऑफ फाइव बेहतर और ठीक कर लेते हैं, और इजी कर दूंगा, टेबल बना दूंगा, इन हाउ मेनी डेज अ टीम ऑफ टू मेल्स एंड थ्री फीमेल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सिक्स मेल एंड फाइव फीमेल्स। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इन हाउ मेनी डेज अ टीम ऑफ टू मेल्स एंड एंड मैंने क्या इनटू थ्री फीमेल्स कैन बी सिलेक्टेड, तो है ना, लेकिन कहाँ से सिलेक्ट करना, तो एक छोटी सी टेबल, मेल्स और फीमेल्स बोलो कितने सिलेक्ट करना है, 2 और इधर 3, लेकिन टोटल पर्सन कितने दिए बोलो, नंबर ऑफ पर्सन इधर 6 और इधर कितने दिए, 5, तो करना क्या है, इसमें से 2 सिलेक्ट करना है, तो वेस्ट कितने बोलो, बोलो प्रोबेबिलिटी से यहाँ से क्लिक करो, 6C2 एंड का मतलब कितना मल्टीप्लाई है, बोलो 5C3, ओपन करो 6C2, 6/2, 5/1, 5C3, 5/3, 4/2, 3/1, 3 से 3, 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15 × 10 कितना बना, 150, तरीके कितने बने दोस्तों मेरे पास, 150, हाँ ना, क्लियर है, तो ये एंड का यूज था, है ना, स्टेप क्लियर है सब लोगों को, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल ऐसे घुमाते फिराते रहेंगे और आसानी से बनेंगे, है ना। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिन, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज, इसमें एक दो तीन है बस खास है, उस पर न्यूमेरिकल घुमाते रहते हैं, ठीक है, तो अपन बनाते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और आपको याद होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इजी है तो इससे काम बन जाएगा हमारा, ठीक है, पहला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये कब रखती है, इफ R इज वेरी लार्ज, R इज वेरी लार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं R इज इक्वल टू N, ये तकरीबन आजू बाजू वैल्यू बन गई, तो ऐसा बनाओ, जिससे मेरे पास अब ध्यान से को 11C9, तो ये किसके बराबर होगा, बोलो 11C 11 माइनस 9 के, भरोसा नहीं, देखो अगर आप अपनी प्रीवियस वाली मेथड, वो था ना 11/9, 10/8, अगर ऐसा करूँगा तो ये डिनोमेटर वैल्यू कितनी आएंगी मेरे पास, 9, है ना, तो लेंदी हो गया, तो अपनी जो मेथड अपने सीखी जो फटाफट करने के लिए तो फेल हो गया, तो ये कब लगाते हैं, जब जैसे आर और ये नियरेस्ट क्लोज हो जाए तभी लगा दो, बहुत बढ़ाओ ना नीचे डिनोमेटर अगर बढ़ाओ तो ये अलग केस लगा दो, तो ये कितना बनेगा, देखो जब क्रॉस चेक कर लेते मैंने होता कि नहीं फिलहाल, है ना, तो आप इसको चेक कर,
है ना, तो ये एन से आर से एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल बना 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, वो जरा देखो ये वाला पार्ट क्या बना 11 एन फैक्टोरियल है ना एन माइनस आई कितना बना 11 सी टू है ना 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू कितना बना 9 फैक्टोरियल, देखो दैट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आएगा ना, सॉरी 11 सी टू है ना, तो 9 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल, देखो लॉजिकली दोनों बराबर है सेम है इक्वलेंट है, तो यही पहली वाली प्रॉपर्टी कब लगती है जब मेरा आर बहुत बड़ा या दोनों ही बहुत ज्यादा बड़ा होगा क्लोज में होगा तो फटाफट लगा दो है ना जल्दी से बनेगा, पहली दूसरी प्रॉपर्टी है ना एन सी एन कितना होता है एन सी जीरो के बराबर है ना, क्यों यार प्रॉपर्टी अपने वापस लगा तो एन सी एन किसके बराबर होगा एन सी एन माइनस एन, तो एन सी एन की वैल्यू कितनी बनी है एन सी जीरो, और ये कितना बनता है लॉजिकली बच्चों मेरे पास 1, क्यों चेक कर लो प्रॉपर्टीज है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल है ना एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना जीरो फैक्टर इंटू एन फैक्टोरियल है ना, इससे गया 1 अपॉन जीरो फैक्टर, और जीरो फैक्टर कितना होता है बच्चों 1 ना याद रखना मेरे को, चलो तो 1 का फैक्टोरियल बोलो 1 है और जीरो फैक्टोरियल भी बोलो कितना मेरे पास 1 है ना, याद रहे ये दो डिफॉल्ट वैल्यूज है फैक्टोरियल की तो आपको याद रहना चाहिए है ना, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इफ एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू देन एन इक्वल टू कितना बनता है पी प्लस क्यू, अगर एन सी पी और एन सी क्यू दोनों बराबर थे ना यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए दोनों प्योर रहना चाहिए प्योर टर्म पे तो बराबर, चाहो तो यहाँ से क्रॉस चेक कर लो अपना है ना, अपने चेक किया था ना दैट इज 11 सी 9 इज इक्वल टू कितना बना बोलो 11 सी 2, तो 11 किसके बराबर है 9 प्लस 2 हाँ क्रॉस चेक हो रहा है बिल्कुल है ना। फोर्थ एन सी 1 एन सी 1 की वैल्यू कितनी, तो इसको अपना वो न्यूमरेटर बने एन बाय 1 खोल लो वैल्यू कितनी, तो एन सी 1 की वैल्यू होगी साहब मेरे पास एन हाँ है ना श्योर है ना, है ना हटा दो इसे पूरा शर लास्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर दैट इज एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री फिर एन सी एन, इसकी इसकी ग्रैंड सम कितना होता है 2^n, थोड़ी सी खास और अपर लेवल एग्जाम में जैसे जी आर ई जी मेट हुआ कैट वगैरह में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है ज्यादा मिलता भी है ठीक है, तो उसको डील कैसे करना है पहले समझो सबसे इजी तरीका एन इक्वल टू कोई वैल्यू रहते हैं एन इक्वल टू कितना मान के चलो 4 है ना ठीक ले ले 4 जो भी है चलेगा 3 से बना लो ठीक है एन इक्वल टू 3 तो वैल्यू कितना 3 सी 0 3 सी 1 3 सी 2 और 3 सी 3, अब जो अपने प्रॉपर्टी सीखी वो है ना पहला एन सी 0 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1 है ना 3 सी 1 कितना 3 बाय 1 3 सी 2 कितना 3 बाय 2 2 बाय 1 ये कितना बना बोलो एन सी एन एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है मेरा बोलो 1 ना 2 से 2 चला गया तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 कितना बना 8 इन्हें कितना बना बच्चों 2^3 है ना एन, और एन अपन ने कितना सब्स्टिट्यूट किया थी तो ये डन है पक्का सब लोग क्लियर है ये सारी चीज अच्छे से है ना, तो इतना भी अपन अपने संभाल लिया ना तो ये मेरा पास पूरा कॉम्बिनेशन मिल जाता है मेरे पास है ना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे अपन इसको दो पार्ट में ड्रॉ करते हैं पीएनसी फर्स्ट है पूरा बेसिक में हीचिंग और इसका थोड़ा एक एडवांस पार्ट छोटा सा ही रहेगा ज़्यादा नहीं लेकिन वो विदाउट थ्योरम्स थ्योरम के बिना कैसे डील करना वो सिखाऊंगा मैं आपको उनमें ना हो गया ये सारा डन, यकीन मान के चले यहाँ पर हमारा पूरा
कॉम्बिनेशन खत्म होता है, दैट्स इट, कुछ है नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ाएं इसको, नाउ मूव ऑन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन पे आते हम लोग, इस पूरे टॉपिक की दिक्कत हो जाता है फिर से, हर तीन चार क्वेश्चन के बाद एक नई थ्योरम, हर तीन चार क्वेश्चन के बाद एक नई थ्योरम। तो एट द मोस्ट होता क्या है मेरे पास, एट द लास्ट लास्ट में आखिरी में मेरे पास थ्योरम्स का भंडार होता है, और मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि वो 10-20-30 थ्योरम जो मैंने याद करी है, मुझे पढ़ाई गई है, वो क्वेश्चन में कैसे अप्लीकेबल होती है, इसलिए टफ है टॉपिक। मैं फिर से बनता हूँ, इस पूरे टॉपिक को बनाइए आप विद द हेल्प ऑफ योर ओन लॉजिक, आप अपने खुद के लॉजिक का इस्तेमाल करके बनाइए, एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं। आपका लॉजिक कैसा भी हो, छोटा कम ज़्यादा चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गारंटी न्यूमेरिकल बनेगा। तो हम इसके लिए कहीं पर भी कुछ भी थ्योरम या रटेंगे नहीं पहली बात, और दूसरी चीज़ क्या खास बात है, हम अपने खुद के लॉजिक बना के इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ठीक है। तो परम्यूटेशन है ना, अब परम्यूटेशन में इसका पहला पार्ट, चार केसेस बोला ना, और चार केसेस भी पढ़ना आपको इसके लिए, पांचों केस पढ़ाऊंगा नहीं, आप चार केसेस के अंदर ही जितने पीएनसी के क्वेश्चन सारे परम्यूटेशन क्वेश्चन सब अप्लीकेबल हो जाएंगे गारंटी। तो पहला उन्हें बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, ना सिटिंग की स्पेलिंग देख लेना, है ना, 90% ऑफ पीपल राइट है राइट SITTING, 90% ऐसे सिटिंग की स्पेलिंग ये लिखते हैं, तो मत लिखिएगा ना, सिटिंग का स्पेलिंग थोड़ा टिक कर लीजिएगा ना, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 5% on 5 sitting question, मेरे पास 5 बंदे हैं और 5 sitting question रखी हुई सर, है ना, तो फिर उससे याद होता, अरे यार वो खोल लो, वो थ्योरम थी उसमें परम्यूटेशन में, ये था वो था, हाँ पहला क्वेश्चन तो ईजी लगेगा कि सर वो NPR लगा दो, लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई कंडीशन लगना शुरू हो जाएंगी तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, तो उसको डील समझो, देखो कितना आसान है, इन हाउ मेनी वी कैन अरेंज 5% ऑन 5 सीटिंग, 5 बंदे हैं और 5 सीट है, एक काम करो सबसे शानदार तरीका, बंदे हुए ABCD, है ना, ये 5 बंदे खड़े हुए और 5 स्टूल लगा दो, बैठो भाई 5 बंदों को, ये स्टूल नंबर 1, स्टूल नंबर 2, स्टूल नंबर 3, स्टूल नंबर 4, स्टूल नंबर 5, 5 बंदों को 5 स्टूल लगा दिए, ध्यान से सुनना प्लीज। अब बताओ पहली चीज, कौन किसे भरेगा, स्टूल पर्सन को बुलाएंगे, यानी चॉइस किसके पास है, पर्सन के पास या स्टूल के पास, पर्सन के पास, लोगों के पास चॉइस होती है, स्टूल के पास ऑप्शन थोड़ी है ना, तो आप बोलोगे द फर्स्ट पोजिशन, आप चाहो तो स्टूल नंबर 1 यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डर में लिख लो अच्छे से, द फर्स्ट प्लेस, यानी पहले स्टूल को भरने के लिए कैंडिडेट कितने अवेलेबल है, 5, सुनो ध्यान से, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड नेक्स्ट प्लेस, एंड मैंने इनटू, यानी आप अगला स्टूल को भरने, लेकिन इनमें से एक बंदा चला गया, मान के चलो आपकी 5 थे ना, एक यहाँ बैठ गया, तो बच्चे कितने 4, दैट इज द नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द 4 पर्सन, एंड अब ये चला गया मान के चलो, ये कितना बना 3, एक कम करो 2 और 1 कितना बना 120, या ऐसे 5 फैक्टर बिकते हैं, है ना, तो 5 बंदों को 5 सीट पर बिठाने तरीके कितने ऐसे, शर है। अब इसी को एक एडवांस पार्ट में ले जाएंगे, इसी प्रॉब्लम को, है ना, एडवांस पार्ट में, वो बड़ा आसान है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को, है ना, धीरे से ना, सीटिंग पर आ रहे थे ना, सीटिंग अरेंजमेंट ही है बेटा अपना, ठीक है, ये सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर ही ले रहे हैं अपन सारा, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज, चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन है ना, 5% कैन बी अरेंज्ड ऑन 2 सीटिंग क्वेश्चन या 2 सीट्स, मुझे 5 बंदों को 2 सीट पर क्या कर रहे हैं, अरेंज करना है, तो अब लॉजिकली क्या बोलो, NPR है ना, लेकिन क्यों रटते बैठे, नहीं
पांच बंदे फिर से वो स्टैंडर्ड को से ए बी सी डी हाँ ना, लेकिन अब स्टूल कितने अवेलेबल है? दो, तो पहला स्टूल और दूसरा स्टूल, हाँ है ना, बोलो बोलो। द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, यार बिल्कुल सही, फाइव वेज कोई भी करा सकता है, ये आ गया। एंड द नेक्स्ट प्लेस कितना? फोर, फाइव फोर था 20, आप चाहो तो इन दिया, लेकिन वो फॉर्मूला। अच्छा और खास बात, इसके लिए वो 5/2 4/1 मत लगाना बेटा, है ना, प्लीज, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई ना वो सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ पर वो सब अप्लाई नहीं होता, तो इतना सब करने के बाद क्यों बार बार फैक्टर खोला? सीधे सॉल्व करेंगे ना अपन तो, ठीक है, डन, बना लोगे, ठीक है। लॉजिक, हमेशा लॉजिक विल ऑलवेज विन। इस टॉपिक की दिक्कत क्या है, वो थ्योरम के टर्म में लेके जाते हैं इसलिए वो टफ हो जाता है। आप इसको बेसिक के टर्म खींचो, फटाफट बनेगा, हो गया। अब इसका जस्ट एडवांस पार्ट इसमें है ना, इसको दूसरे तरीके से मेन एग्जाम में कैसे पूछे, दूसरे एग्जाम में कैसे पूछते हैं, ध्यान से को इन हाउ मेनी वेज, है ना। फाइव स्टूडेंट्स ए पार्ट है ना, फाइव स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू फोर क्लासरूम्स, पांच बंदे हैं चार क्लासरूम भेजना है, और इसका एडवांस पार्ट है ना, ध्यान रखना, इन हाउ मेनी डेज फोर स्टूडेंट्स कैन बी सेंट टू फाइव क्लासरूम्स। इसका एडवांस पार्ट बना देते हैं, ठीक है। अब इसके लिए थ्योरम से ऐसा है तो ऐसा करो, छोटा आर बड़ा है तो कम ज्यादा है, अलग अलग है तो उसके लिए अलग थ्योरम लगा दी, क्यों करना जब वो इजीली बन सकता है ना। कैसे? बंदे कितने? पांच, ए बी सी डी ई, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को तो ये आता है ना। चार क्लासरूम खोल लो, क्लासरूम नंबर वन, क्लासरूम नंबर टू, क्लासरूम नंबर थ्री और एक क्लासरूम नंबर फोर, ये चार क्लासरूम खोल दिए मैंने, है ना। देखो बंदे कितने? पांच, इन्हें एक बात, और क्लासरूम कितने हैं? चार। ये एक बात गारंटी, एक क्लासरूम में एक से ज्यादा बंदा आएगा ही आएगा, है ना। हो सकता है एक के अंदर दो हो, एक के अंदर तीन हो सकता है, खाली पड़ा हो, भरे ही नहीं, हो सकता है पांचों पांचों एक क्लासरूम में चले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो, तो आप क्या बोलोगे ध्यान से, ये पर्सन नंबर वन खड़ा हुआ, श्योर। तो पहले पर्सन के लिए या स्टूडेंट नंबर वन के लिए ऑप्शन कितने? ये खड़ा हुआ ना, ये बोला चलो भाई स्कूल जाओ, क्लासरूम में पहुंचो, तो उसको कितने क्लासरूम खुले मिलेंगे? चारों। द फर्स्ट पर्सन, पहला बंदा के लिए चल गए कितने? चार। एंड एंड आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंड। अब दूसरा बंदा ये फिर से बी खड़ा हुआ, ये फिर देखेगा कितने क्लासरूम खुले पड़े, चार, जाओ भाई चारों, तो दूसरे के लिए भी चार हैं, तीसरे के लिए भी चार हैं, चौथे के भी चार हैं, और पांचवें के लिए भी चार हैं, यानी कितना बना? 4:5, इसे 2:10 भी कहते हैं। एक ही नंबर की 10th पावर सबसे ज्यादा काम में आती है, वो है 2 की पैटर्न, याद रखो, जो कंप्यूटर साइंस वाले से 1024 याद रखते हैं उन्हें दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी 2:10 कितना होता है मेरे पास? 1024 याद है, यानी इसके लिए तरीके कितने हैं? 1024। अब यह लगे इसी में एडवांस है ना, ए बी सी डी, चार बंदे, क्लासरूम कितने दोस्तों बोलो? पांच, ये पांच क्लासरूम खोल दिए, क्लासरूम वन, क्लासरूम टू, क्लासरूम थ्री, क्लासरूम फोर और क्लासरूम नंबर फाइव, है पांच क्लासरूम खोल दिए बंदे के लिए। चलो भाई जाना शुरू करो, ये पहला बंदा खड़ा हुआ स्टूडेंट नंबर वन, तो इसके लिए ऑप्शन कितने हैं? हाँ पांच। स्टूडेंट नंबर टू के लिए ऑप्शन कितने हैं? पांच। स्टूडेंट नंबर थ्री के लिए ऑप्शन कितने हैं? पांच। वही लास्ट वाला स्टूडेंट नंबर फोर, इसके लिए ऑप्शन कितने हैं? पांच। 5:4 कितना? 6:20। क्लियर है दोस्तों? तो ये सिटिंग अरेंजमेंट का एडवांस पार्ट खींच देते हैं, ऐसा इतना आसान। अब इसके लिए थ्योरम्स क्यों रटे हुए, जब मैं सीधे बना सकता हूँ, आप कितने भी, आपको कितने ही कम मार्क्स आया मैथ्स में, डजंट मैटर, है ना। एंट्रेंस एग्जाम अलग दुनिया है बेटा, यहाँ 90 वाला भी वही है, 98 वाला वही है, और बेचारा जो 30-35% वाला वो भी एक ही जगह, वो ही सब एक पेपर फेस करना है, तो क्या दिक्कत है, बना लेंगे आराम से पेपर को, एंट्रेंस निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है, हाँ है ना, क्लियर। तो ये परम्यूटेशन का पहला पार्ट, इसे आपने क्या बोला? सिटिंग अरेंजमेंट, और ये सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आया था, हो सकता है पांच शेयर दो चार पिंजरों में डालना, यही है तो उस क्वेश्चन का फ्लेवर चेंज कर देंगे एग्जाम में, बस और कुछ नहीं, बाकी रहेगा यही सब, इन चार केस के अलावा है, लेकिन पहला केस क्या पढ़ा अपन ने? सिटिंग अरेंजमेंट, दैट्स इट, क्लियर। चलो भाई सिटिंग अरेंजमेंट के बाद अब आएंगे हम लोग
वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम्स, अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला है? ऐसे क्वेश्चन जिसमें वर्ड आ जाए ना मेरे पास, कि ऐसे एक लेटर दे, वर्ड दे कि आप इसमें कितने लेटर हैं, वर्ड बनाइए, अरेंज करिए, कितने तरीके हो सकते हैं, ऐसा कुछ इजी होता है। पहली चीज़ बहुत फिर से होता है, ईजी होता है, कोई सी भी थ्योरम मत रखना, लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक मत रखते, बट थ्योरम शॉर्ट ट्रिक रखिए, काम खत्म होना शुरू हो जाएगा एक लाइन से, गारंटी है ना। पहला आप क्वेश्चन करो, अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है, और इसी क्वेश्चन के दम पे जितने पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर सारे बना देंगे एक बार में। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना, तो एक एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। तो सवाल लिखता हूँ पहले, है ना, पहले एक बेसिक सवाल, हाउ मेनी फाइव लेटर्स वर्ड, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग all the letters of the word great, great करके पांच पांच लेटर का वर्ड ले लिया और उससे बोला आप कितने लेटर बना सकते हो इससे, ऐसा, ठीक है, चलो पांच लेटर की बनाना बेटा, ठीक है, पहली चीज समझ जानते हो। तो हाउ मेनी फाइव लेटर वर्ड, ये पहला बेसिक क्वेश्चन है ना वर्ड प्रॉब्लम का पहला। अपन इसके पास धीरे धीरे कंडीशन लाना शुरू करेंगे कि ऐसा वैसा, जितनी कंडीशन है वो प्रॉब्लम सारी बता देता हूँ। पहला सवाल ये है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी फाइव लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रेट, ग्रेट करके जो लेटर उससे तो कितने लेटर बता सकते। तो देखो पहली चीज लेटर कितना, पाँच लेटर, लेटर नंबर वन, लेटर नंबर टू, लेटर नंबर थ्री, लेटर नंबर फोर, लेटर, तो मुझे क्या बनाना है बोलो, पाँच लेटर का वर्ड, चार बोले तो चार लिख दो, तीन बोले तीन लिख दो, क्या दिक्कत है, हो गया फाइव लेटर वर्ड। द फर्स्ट प्लेस बोलो ध्यान से, है ना, तो पहले सबसे पहले प्लेस को बनने तरीके के वर्ड क्या बोलो मेरे पास, ग्रेट है ना, तो पहले प्लेस को बनने तरीके कितने, पांच, हाँ कोई सा भी लेटर आ सकता है, एंड नेक्स्ट, तो एंड कितना, अब देखो इसमें दिक्कत प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, प्रॉब्लम ये है मेरे पास इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि पहले पर्सन थे तो रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन अभी लेटर हैं तो लेटर एक दूसरे को रिपीट कर सकते हैं, तो इसमें बनेंगे दो केस ना। तो पहला आएगा रिपीटेशन इज अलाउड, यानी वो केस है जिसमें रिपीटेशन ने क्या किया, अलाउड, और ये आएगा इसमें नॉट अलाउड, वैसे कि जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, और यह नीचे ला किसका रिपीटेशन अलाउड जिसमें नहीं है, है ना, तो कैसे बनाते हैं जरा देखो ध्यान से, है ना, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन फाइव वेज, एंड नेक्स्ट प्लेस, एंड फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो फिर से लेटर कितने हो सकते हैं, पांच, अगला कितना, पांच, फिर पांच, फिर पांच, फाइव इज टू फोर फाइव है ना, पी वन टू फाइव। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो फर्स्ट लेटर है ना, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, तो पहले लेटर को भरने तरीके कितने हैं, पांच, इनमें से एक चला जाएगा, हाँ है ना, एंड कितना, फोर, एक कम करो, थ्री, टू, वन, तो एक एक से कम हो जाएंगे, तो वैल्यू कितनी बनेगी, फाइव फैक्टोरियल 120। अब सबसे पहला सवाल, मैं तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ दिया ही नहीं उसने, तो अलाउ करूँ कि नहीं अलाउ करूँ, क्या करूँ, तो इसके लिए सबसे बड़ा बेसिक रूल है ना, ध्यान से, और बेसिक रूल यहाँ लिख रहा हूँ, नथिंग इज गिवन है ना, इफ नथिंग इज गिवन है ना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, नॉट अ बेटा, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, एक्सेप्ट दो केसेस हैं, एक्सेप्ट है ना, इन केस ऑफ पासवर्ड्स एंड नंबर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, सब आएंगे धीरे धीरे ना, इसलिए अपन पूरा पीएनसी दो पार्ट में करने वाले हैं आज, एक पर, ठीक, तो अलाउड नहीं है, लेकिन कब कब, पासवर्ड में नहीं दिया तो भी अलाउ करना पड़ा है, अगर नहीं दिया तो सिंपली क्या, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता, आंसर कितना होता मेरे पास, सिंपल 120, और रिपीटेशन होगा तो बता, वो लिखेगा रिपीटेशन इज अलाउड, ऐसा, ठीक है, आंसर।
आ गया है पहला क्वेश्चन ये रहा, है ना। दूसरा क्वेश्चन फिर से, हाउ मेनी फाइव लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म इफ गिवन वर्ड स्टार्ट विद जी, इफ गिवन वर्ड स्टार्ट विद जी, वो जी से ही शुरू होना चाहिए लेटर, है ना। फिर से दो केस बनेंगे, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। लेटर नंबर वन, लेटर नंबर टू, लेटर नंबर थ्री, लेटर नंबर फोर, लेटर फाइव, पांच का बोला ना, पांच का लेटर बनाएंगे। अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड है, लेकिन उसमें खास बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ जी ही होना चाहिए। तो देखो जी कितने अवेलेबल है यहाँ पर, सिर्फ एक, दो तो दो लिखो, तीन तो तीन लिखो, तो फिलहाल जी कितना अवेलेबल, एक। बेटा फर्स्ट प्लेस इन दोनों केस में तो भरने का तरीका सिर्फ एक ही है। अब अगला केस भरने का तरीका है, यहाँ पर बेस कितने, चार के पांच, पांच, क्यों, क्योंकि जी के बाद जी भी तो आ सकता, तो कितना फाइव 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 एंड फाइव, फाइव रेस्ट ऑफ फोर कितना, सिक्स ट्वेंटी फाइव। लेकिन अगर रिपीटेशन लाओ नहीं है तो एक जी चला गया इनमें से, है ना, ग्रेड है ना। एक जी तो ऑलरेडी पहले से फिल कर लिया, रिपीटेशन लाओ नहीं, तो अब अगला भरने इधर कितने, इन चारों में से कुछ है एक, तो फोर थ्री टू वन, फोर का फैक्टर कितना बना बच्चे, ट्वेंटी फोर, हाँ है ना। इसी के अंदर थर्ड केस है ना, द वर्ड मस्ट स्टार्ट विद जी, द वर्ड है ना मस्ट स्टार्ट विद जी एंड एंड ई, वो जी से शुरू होना चाहिए और ई से खत्म होना चाहिए, तो उसको कैसे डील करेंगे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं। अलाउड नॉट अलाउड, वन टू थ्री फोर फाइव, लेटर वन, लेटर टू, लेटर थ्री, लेटर फोर, लेटर फाइव, पहले अलाउड जी यहाँ पर, यहाँ पर तो जी कितने अवेलेबल, बोलो बोलो, एक, तो इसको बने तरीके सिर्फ एक, हर केस में एक, ई कितने अवेलेबल, एक, तो एक। अब रिपीटेशन लाओ तो इसको इसको बने तरीके कितने, फिर से पाँच पाँच पाँच, फाइव का क्यूब, वन ट्वेंटी फाइव। लेकिन रिपीटेशन लाओ नहीं है बेटा, तो एक गया जी ना, ग्रेड है ना, और एक गया ई, तो बच्चे कितने, तीन, तो उनको बने तरीके थ्री टू वन, नहीं कितना बना, थ्री फैक्टर वैली कितना आएगी मेरे पास, सिक्स। क्लियर है सब लोगों को, हाँ है ना। है ना श्योर, इसी वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट केस है ना, ध्यान से करो। क्लियर है सब लोगों को, ये अभी तक आ रहा, अभी क्वेश्चन शानदार है बहुत, ठीक है, ध्यान से कैसे डील करोगे, ध्यान से समझो। हाँ सवाल लिखता हूँ, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, वही सवाल है ना, मस्ट कंटेन। अब इसको क्वेश्चन को पूछे तीन तरीके ना, एनी टू स्पेसिफिक लेटर्स टुगेदर, कोई दो स्पेसिफिक लेटर टुगेदर होना चाहिए, तीनों तीन केस, तीन केस बना के सिखाता हूं आपको ना, ए एंड ई। अब वो दो लेटर ए और ई हो सकते हैं, अब ध्यान से को, दो लेटर ए और ई क्या है मेरे पास, ये रहे ना, दोनों किससे मेरे पास, वोवेल, इन्हें वो क्वेश्चन हो सकता है, मस्ट कंटेन बोथ द वोवेल्स टुगेदर और जी एंड ई टुगेदर, हाँ ये दोनों वोवेल है बेटा, है ना, है ना। लेकिन ये एक कंसोनेंट और एक वोवेल, वन वोवेल एंड वन कंसोनेंट टुगेदर, ऐसा ही पूछ सकता, या फिर आर एंड डी टुगेदर, खास बात है दोनों के दोनों क्या है मेरे पास है, कंसोनेंट। तो एक क्वेश्चन को पूछेगा तीन तरीके, या तो बोलेगा एनी टू स्पेसिफिक लेटर टुगेदर, बोथ द वॉवल्स टुगेदर, वॉवल एंड कंसोनेंट टुगेदर,
या बोथ वॉवल्स कंसोनेंट टुगेदर, ऐसा कुछ भी बोल दे, क्वेश्चन सब एक ही है, पूछा इधर क्या चेंज है बस, ठीक है आंसर करो। तो हाजरा इससे वो तरीका टुगेदर नॉट, थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा एक्सट्रीम कैसे L1, L2, L3, L4, L5 पांच लेटर वर्ड बनाना बनाएंगे अपन। पहली चीज कोई सा भी एक केस मैंने याद ले लिया ना, ए एंड ई टूगेदर है ना, है ना। आप ये भी ले सकते हो, देखो आप पहली चीज समझो, आप ए ई लिखो या ई ए लिखो एक ही बात है, साथ में ही है, लेकिन लेटर में फर्क है बेटा। ए ई लिखो तो अलग काउंट होगा, ई ए लिखो तो अलग लेटर काउंट होगा, यानी इन दोनों को लिखने के तरीके कितने हैं, दो, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ है ना, बोला ना ए एंड ई टूगेदर, ए ई होगा या ई ए होगा, ठीक है ध्यान से। ये ए ई और ई ए कहाँ कहाँ पर एक साथ रख सकते हो आप, ध्यान से, यहाँ पर ए मान के चलो ए लिखा, तो ए यहाँ पर हो सकता है, ए यहाँ पर हो सकता है, तो पोजिशन कौन कौन सी होगी देखो ध्यान से, दैट इज दे कैन प्लेस डाउन, या इनके पोजिशन के तरीके, इनके पोजिशन हो गए 1, 2, पोजिशन नंबर 1, 2, एक पहला और दूसरा, साथ में चाहिए तो 2, 3, 3, 4 और 4, 5, तो इनको रखने तरीके कितने बच्चे, 4। इनके रीअरेंजमेंट के तरीके 2 हैं, लेकिन इनको रखने तरीके कितने हैं, 4, हाँ है ना। अब कहीं ना कहीं एक जगह तो प्लेस करोगे ए ई, ए और ई को मैंने यहाँ रख लिया मान लो, एज्यूम करो, तो अब क्या है, रिपीटेशन अलाउ, तो बोलो इस तरीके इस प्लेस को भरने तरीके कितने हैं, 5, इसको भी 5 और इसको भी 5, निवेश कितने हुए ध्यान से को, दैट इज 2 × 4 × 5 का क्यूब, 8 × 120 कितना 1000 वेज, 1000 तरीके, लेकिन नॉट अलाउड में फिर से ए या ई रखने तरीके कितने, 2, कोई दिक्कत नहीं आता, सेम है, इनको पोजिशन तरीके रखने कितने, 4, कोई फर्क नहीं, 6 में, लेकिन जैसे ही मैं ए और ई को यहाँ प्लेस कर दूंगा तो पोजिशन कितनी बचेगी, 3, तो अब इसको लेटर रखने तरीके कितने, 3, क्योंकि ए और ई चलेगा ग्रेड में से ना, ग्रेड है ना, ए और ई चलेगा तो बच्चे कितने, 3, तो तरीके कितने, 3, 2 और 1 कितना बना, 3 factorial या 6, 8 × 6 कितना बना, 48, तो इसमें तरीके कितने बनेंगे मेरे पास, 48 वेज, हाँ है ना, क्लियर है सब लोगों को, हाँ है ना। इससे रिलेटेड सवाल सिखाता हूँ, देखो वो इस छोटे से कंसेप्ट को कहाँ यूज करता है ना, है ना, क्लियर है। अब सवाल देखो, ये इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा देगा, 2 तरीके से, ठीक है, फाइव स्टूडेंट्स पहला के है ना, फाइव स्टूडेंट्स स्टैंडिंग है ना, स्टैंडिंग फॉर फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ सेशन हो रहा, ठीक है ना, इन हाउ मेनी वेज, द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट बोल सकता है, दो बेस्ट फ्रेंड बोल सकता है, जो मर्जी हो उसकी, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट है ना, पहला है ना, मस्ट टुगेदर, दोनों साथ में होना चाहिए। अभी क्वेश्चन बस आ गया ऐसा ना, इसको हटा दो मैं, हाँ कुछ भी नहीं, देखो 5 बंदे फोटोग्राफ के लिए खड़े हो गए, और क्या बोला, शॉर्ट टॉलेस्ट और शॉर्ट टॉलेस्ट को आना चाहिए मेरे पास, साथ में आना चाहिए, हाँ है ना। अब क्या ये तो वही सवाल हो गया, पहली बात तो 5 बंदे तो रिपीटेशन हो नहीं सकता, क्वेश्चन को सवाल डेफिनेटली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो बोलो टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट रखने तरीके कितने कितने, 2, 5 पोजिशन है ना, अरे यही तो क्वेश्चन है, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को ए बी और बी ए 2 तरीके, उनको बैठाने के तरीके 1, 2, 2, 3, 3, 4 या 4, 5, 6 तरीके कितने उनके, 4, 5 में से 2 जगह में से कहीं बैठ जाएंगे 2 प्लेस पे, तो बची पोजिशन कितनी, 3, तो 3 पोजिशन पे 3 लोग अरेंज करने तरीके कितने हुए बोलो, 3 factorial ऐसे कितना ना, 8 × 6 कितना बना बच्चे मेरे, बोलो 48 वेज, तो सेम क्वेश्चन है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर बोले मेरे पास कैसा, मस्ट टुगेदर की जगह नॉट टुगेदर,
अब ये टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट साथ में होने ही नहीं चाहिए, तब क्या करोगे? बोलो बोलो फटाफट बोलो। सबसे शानदार तरीका, वीक में डेज कितने हैं? 7। 3 दिन क्लास लगी तो कितने दिन नहीं लगी? हाँ 4 दिन। तो नॉट टुगेदर निकालने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा मुझे बोलो? नॉट टुगेदर निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा टोटल में से माइनस करो साहब टुगेदर वाले केस। बिल्कुल सही। बंदे कितने हैं? 5। 5 लोगों, 5 5 लोग, 5 सीटी लगेगी तो बैठाने देर कितने हो मेरे बोलो? 5 फैक्टोरियल जो अपने शुरुआत में सीखा, 5 पोजिशन 5 लोगों के लिए। टुगेदर के तरीके कितने हैं? 48। 120 माइनस कितना? 48। तो मेरे पास 72 इयर्स। याद रहेगा बच्चे? तो अपन पूरा पीएनसी 2 पार्ट में करने वाले, ठीक है? एक पूरा ये बेसिक चल रहा है, साथ साथ में अभी भी मतलब मैंने आपसे बोला पीएनसी परमुटेशन परमुटेशन में आपको बेसिकली 4 केस पढ़ाऊंगा। ये पहले 2 हो गए, अगले 2 बाकी हैं प्लस एडवांस का छोटा सा पार्ट। वैसा बहुत ज़्यादा नहीं, थ्योरम पे थ्योरम आपको रटाएंगे सिंपल से, बिल्कुल आसानी से। पहले उसको मेथड से बनाएंगे, उसको भी थोड़ा सा अपन ट्रिकी कर लेंगे अपनी तरफ से ईजीली बनाने के लिए, ठीक है? याद रहेगा? तो इसके 2 पार्ट हैं अपने पीएनसी में ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। पहला पार्ट है, सेकंड अपन अगली बार में देखते हैं, ठीक है? चलिए ना करते हम लोग ट्राई अगली क्लास में ना। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू कॉल मी ना, या व्हाट्सअप करिए बेहतर अपने डाउट को। मेरा नाम है संतोष साहू, मेरा फोन नंबर कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप करिए 8517801597 पर, जब भी आपको ठीक लगे प्लीज़, है ना? मोस्ट वेलकम, ठीक है? चलिए, आई होप यू एंजॉय द क्लास, है ना? ठीक है, थैंक यू।